नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए, आज आपका दिन अच्छा होगा या बुरा, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही बताएंगे कि रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के आसान से टिप्स क्या है और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही में निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। उससे पहले आइए जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुल्लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावन मंत्र जो करेगा आपके सारे विघ्नों को, सारे कष्टों को दूर। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज योजना बनाने और फैसला करने के लिए जो दिन है वो बहुत अच्छा है। नौकरी और बिजनेस में आज सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। व्यापार और नौकरी के उद्देश्य से कहीं यात्रा भी आज हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को हरा पालक खिलाकर दिन की शुरुआत करिएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको लगभग हर कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में निश्चित तौर पर आज आप सफल रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में नंदी को गुड़ का भोग अवश्य लगाइएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। कुछ नया करने की आज आपको सोचना चाहिए। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में निश्चित तौर पर आज दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाइएगा, निश्चित तौर पर पूरा दिन अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियाँ यूं ही बनी रहें तो बस आपको ये टिप्स अपनाने हैं। पंडित जी, हितेश जी जुड़ चुके हैं चित्तौड़ से, जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। 3/8/81 जन्म तारीख है इनकी और सुबह के 7:35 का इनका जन्म है, भीलवाड़ा का। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। सर, मेरा पंडित जी जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मेरा एक तो धंधा सुटेबल नहीं है और एक उधारी नहीं आती मेरे टाइम से, और दूसरा एक प्लॉट का केस चल रहा है मेरे जी। देखिए मुकेश जी, आपकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव में, आपकी कुंडली का जो द्वादश भाव है वहाँ पे 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, राहु, सूर्य और बुध। राहु सूर्य अगर साथ हो जाए तो सूर्य ग्रहण कहलाता है। वहीं राहु के साथ में, राहु अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा उतार चढ़ाव करता रहता है। राहु के 18 साल की महादशा भी आपको चल रही है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग और राहु सूर्य सूर्य ग्रहण योग, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और द्वादश भाव में अगर इस तरह की युति बनती है तो निश्चित तौर पे एक तो आपको उधारी का काम नहीं करना चाहिए कभी भी। आपके लिए 3 चीज़ें हम स्पष्ट रूप से बता देते हैं। शेयर मार्केट का काम नहीं करना, जुआ सट्टा लाटरी इन चीज़ों का काम नहीं करना, किसी की जमानत नहीं लेना, किसी को उधार नहीं देना, क्योंकि उधार दिया हुआ पैसा लगभग आपका डूबेगा ही सही, वो बहुत मुश्किल से वापस आएगा। दूसरी जो चीज़ है, 18 साल की राहु की महादशा चल रही है, राहु द्वादश भाव में बैठा है, उसमें भी अभी शनि का अंतर चल रहा है। 2015 में आपके व्यापार में तरक्की हो सकती है। एक तो आपको 5.25 रत्ती का गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करना है, क्योंकि बहुत लंबी महादशा है, 2027 तक चलेगी।
राहु को शांत करने के लिए गोमेद रत्न धारण करें। मध्यमा उंगली में रविवार के दिन पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो चित्तौड़ में तो आप वहाँ पे जाएं। भैरव जी के मंदिर रविवार को दाल की कचौरी ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा दही और तीन इमरती कंगन जिसको बोलते हैं, उड़द की दाल के बने हुए कोई भी पकवान आप भैरव जी महाराज को कम से कम 11 रविवार अवश्य चढ़ाइएगा। उसके साथ साथ में आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, ये जो पितृदोष है ये भी आपके जीवन में रुकावटें डालता है, तो हो सके तो आप इस पितृदोष की शांति भी किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में अवश्य करवाइएगा। एक मूंगा रत्न आता है, या आप रत्न नहीं भी पहने तो हनुमान जी की नियमित आराधना आपके व्यापार के अंदर आपको सफलता प्रदान कर सकती है। एक नियम मान लीजिए, जब आप घर से बाहर निकले गौ माता के लिए हरा पालक या हरी सब्जी कुछ भी लेके निकलिए, गौ माता को पहले वो अर्पण करें, उसके पश्चात आप आपके दुकान में जाएं, वो आपका पूरा जो दिन है वो निश्चित तौर पर सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी मुकेश जी, उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने आपको आपके मन चाहे गुडलक टिप्स दे दिए होंगे। पंडित जी, अगले कॉलर संजू जी है, 4/10/89 इनकी जन्म तारीख है और रात के 8:15 का इनका जन्म है किशनगढ़ का। संजू जी सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। सरकारी नौकरी तक लगेगी? जी ऐसा है बेटा, ये जो बच्चे की जन्म कुंडली आपने भेजी है, बुध की महादशा चल रही है, इसको बुध की महादशा और शनि का अंतर अभी फरवरी 2015 के पश्चात, अगले महीने 15 फरवरी के पश्चात 2017 तक का अच्छा योग है, जिसमें अगर ये मेहनत करे तो निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त हो सकती है। चूँकि वृश्चिक राशि है जन्म से, वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपको शुभ फल प्राप्त हो तो एक तो लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन आप धारण कर लीजिए। उसके साथ साथ में आदत बनाइए, नियमित रूप से आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है, 7 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करना। उसके साथ साथ में मुख्य इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि सूर्यास्त के बाद में संध्या समय के पश्चात में सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए भोजन के अंदर, जैसे दूध दही चावल, व्हाइट फॉर्म के अंदर कुछ भी नहीं खाना है। फरवरी 2015 के पश्चात यदि आप मन लगा के मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पे इस वर्ष के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक सरकारी नौकरी के पूर्ण योग बनते हैं। जी संजू जी, आपकी मेहनत और पंडित जी के टिप्स आपके करियर को रफ्तार जरूर देंगे। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर राजेश जी हैं, अपने बेटे योगेश के लिए आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। 3/2/95 जन्म तारीख है और सभी अभी हमसे पूछ लेंगे। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जन्म समय जानना चाहेंगे। राजेश जी, राजेश जी स्वागत है आपका, जन्म समय जानना चाहेंगे आपसे। पंडित जी, इतनी ही जानकारी के साथ अगर हम इनका सवाल ले सकें। देखिए राजेश जी, अगर वैसे अगर देखा जाए तो आपके बोलते नाम से जो है आपकी जो राशि है वो एक तो तुला राशि और जन्म से आपकी मीन राशि, जन्म कुंडली में सारे ग्रह वैसे अच्छे हैं, शनि स्वग्रह, ये सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना हुआ है। तुला राशि का अभी तक शनि की 7.5 से जो आप पीड़ित थे वो शनि की 7.5 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। सन 2015 आपके जीवन का एक टर्निंग ईयर साबित हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाला जो समय है निश्चित तौर पर आपका चाहे कैरियर हो चाहे और भी कोई भी मैटर हो उसके अंदर सफलता मिलेगी। दो चीज़ें अवश्य करिए, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करिए और नियमित रूप से भगवान हनुमान जी की आराधना अवश्य करिए, सफलता प्राप्त होगी। जी राजेश जी, पंडित जी ने आपको आपके बेटे के लिए गुड लक टिप्स दे दिया है। पंडित जी, हमारी अगली कॉलर निशा जी हैं, अपने पति महेंद्र के लिए आपसे सवाल करना चाहती हैं। निशा जी स्वागत है आपका, जन्म तारीख जानना चाहेंगे आपके पति की। 30 सितंबर 1991 सुबह 7:15। जी 9:15। 20 सितंबर 1991 सितंबर। जी और सुबह 1991 सुबह 9:15। जी अक्टूबर है पंडित जी। मुझे जी पूछे सवाल पूछिए। मुझे पूछना है, मेरे पति की नौकरी नहीं लग रही है, बाबा छूटती है रहती है और संतान 2 साल हो गए शादी को, अभी तक संतान की तो प्राप्ति नहीं है। देखो बेटा, आपके पति की जो जन्म कुंडली है उसमें सूर्य जो है वो नीच का होके बैठा है। कोई ग्रह यदि नीच का हो जाता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण संतान सुख प्राप्त हो और आपके पति का जो कैरियर है उनकी नौकरी का क्षेत्र है उसमें सफलता प्राप्त हो, तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो करनी है।
एक तो आपके पति को रविवार के दिन, अभी जब मलमास निकल जाए 14 जनवरी के पश्चात में, तो रविवार के दिन उनको सीधे हाथ में एक तांबे का कड़ा, वो उनको सीधे हाथ में पहना दीजिए, और हमेशा तांबे का कड़ा पहन के रखना। रात को सोते समय आपके सिरहाने के पास में, बिस्तर के पास में एक स्टूल रख लीजिए, वहाँ पे एक तांबे के कलश में, तांबे के लोटे में जल भर के रखिए, और सुबह उठ के आप दोनों पति पत्नी को उस जल को पीना है। तीसरा, आपके पति को बोलेगा नियमित रूप से भगवान सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, उस जल में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और एक छोटी इलायची, ये डाल के भगवान सूर्य को जल का अर्पण करें, निश्चित तौर पे नौकरी व्यापार के क्षेत्र में उनको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। साथ साथ में एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करना है। और आपको मैं बता देता हूँ, पास में यदि कहीं गौशाला हो या कहीं गौ माता आपके आसपास में बंधी हुई हो, आपके घर के आसपास में, शाम के वक्त या सुबह के वक्त जब वो अपने बछड़े बछड़ी को दूध का सेवन करवा रही हो, दूध पिला रही हो, उस वक्त आप वहाँ पे जाइए और उस गौ माता की परिक्रमा करिए और उससे प्रार्थना करिए कि जिस तरीके से आप अपनी संतान को दूध पिला रही हैं, प्यार कर रही हैं, स्नेह दे रही हैं, ठीक उसी तरीके से ये सौभाग्य आप मुझे भी प्रदान करिए। परिक्रमा करते हुए गौ माता से प्रार्थना करते जाइए, गौ माता के चरणों की थोड़ी सी जो रज है, मिट्टी है, उसका टीका लगाइए, और निश्चित तौर पे उनको आप ये उपाय करेंगे कुछ दिन तक, तो आपको गर्भधारण में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी पंडित जी, अगले कॉलर राजकुमार जी हैं, 5/7/77 इनकी जन्म तारीख है, और शाम का जन्म है इन्हें इनका, लेकिन समय नहीं पता है इन्हें। राजकुमार जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार। पंडित जी मेरा क्या है कि कोई भी काम करना चाहता हूँ, वो काम बीच में कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई भी राजनीति में हो, कुछ भी हो, कुछ किसी में नहीं आ रहा। देखिए राजकुमार जी, एक दो चीज़ें हैं, क्योंकि समय नहीं है तो थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपकी तारीख सही है तो उस तारीख में दो चीज़ें जो मुझे लग रहा है वो ये है। एक तो आपकी कुंडली के अंदर सर्प दोष बना हुआ है। ये सर्प दोष क्या करता है, ज़िंदगी में हर कार्य के अंदर रुकावटें पैदा करता है। मिलेगा सब कुछ लेकिन थोड़ा घूम के, जो चीज़ आज मिल सकती है वो दो दिन बाद मिलेगी। ये सर्प दोष का जो है वो मुख्य जो नेगेटिव परिणाम है वो ये है। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में जो बुध है, भगवान गणपति, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, वो जो है आपकी कुंडली में अस्त होकर बैठे। अस्त होने का मतलब ये है कि जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं शाम के समय, तो गर्मी भी ख़त्म, रोशनी भी ख़त्म। तो यदि आप जीवन में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान गणपति का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे आपके नौकरी व्यापार का क्षेत्र हो, तो एक तो पन्ना रत्न आपको हमेशा पहनना है, 3.5 या 5 रत्ती का अच्छा पीस लीजिएगा, वो पन्ना आप सोने में सबसे छोटी उंगली में सीधे हाथ में बुधवार के दिन धारण करिए। और एक नियम मान लीजिए कि नियमित रूप से आपको गौ सेवा करनी है, बुध को अगर अप करना है तो गौ सेवा नियमित रूप से करनी है। और इस कालसर्प दोष की शांति के लिए उज्जैन या नासिक जब भी आपका जाना हो, तो एक बार आप इसकी विधि विधान से पूजा करवा लें, शांति करवा लें, और जब तक नहीं जाएं तब तक पास में जो भी रविवार के दिन पास में जो भी भैरवजी का मंदिर है वहाँ पे जाएं, दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाएं। ये जो दो सरल उपाय बताएं, इनसे निश्चित तौर पे आपकी जो रुकावटें जो हैं उसमें आपको काफ़ी सुधार होता हुआ दिखेगा, रुकावटें खत्म होती हुई दिखेंगी। जी आइए बात करते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि की, और जानते हैं क्या कुछ है खास आप सभी के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत सिंपल और आसान रहेगी। ये ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से की गई हर कोशिश आज आपकी सफल होगी, धन का लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प पितरों के चित्र के समक्ष अर्पण करें, निश्चित तौर पर पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, उत्साह बहुत रहेगा आज आपके अंदर। ध्यान रखिए, आज आपको अपना समय नहीं गंवाना है। यदि आप समय नहीं गंवाते तो निश्चित तौर पर आज का दिन आपके लिए अनमोल साबित हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरी सब्जी अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन आपका जो है वो सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज नई योजनाएं बनेंगी, कामकाज में सुधार होगा, खर्च अधिक होगा लेकिन उतनी पूर्ति भी हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य करिएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। जी पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले हमें कॉल लेना चाहेंगे, चंद्रकांत जी हैं, अपने बेटे मयंक के लिए आपसे सवाल करना चाहते हैं। 18
87 जन्म तारीख है और सुबह के 10:47 का जन्म है, 10:47 सुबह के। चंद्रकांत जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार। मैं मेरे बेटे मेरे से लगना चाहते हैं, कब उसकी शादी होगी? और वो ये जो शेफ का काम करता है खाना बनाने वाला, वो छोड़ना चाहता है और किसी में और किसी काम में जाता है, सफल मिलता मिलेगी या ना मिलेगी, ऐसा क्या करें कि उसको बाकी अच्छा रहे? मैं बस परेशान, वो खुद परेशान रहता है और मेहनत लड़का है, बहुत मेहनत करता है, क्या करो तुम जी, उपाय हो? देखिए, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में एक तो सूर्य की जो माँ दशा है वो उतरने वाली है 2015 में। ये सूर्य अभी जो है वो चूँकि शत्रु राशि पे शनि के घर में बैठा है, इसलिए उतना शुभ परिणाम नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले जो 10 साल हैं वो आपके बच्चे के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। 2015 के पश्चात में इस बच्चे का भाग्योदय भी होगा और इसके जो रुके हुए काम हैं वो भी पूर्ण होंगे। राहु मंगल का अंगारा के योग इसके लग्न में बना हुआ है। निर्णय लेने के समय थोड़ा सा ध्यान रख के निर्णय ले। और एक विशेष बात, मघा नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र में जन्म आता है, पैदा होते 27 दिन में इसकी पूजा होती, यदि आपने वो पूजा नहीं करवाई है तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में इसके गणमूल नक्षत्र की पूजा करवा लीजिएगा, ताकि इसका जो भविष्य है उसमें जो भी रुकावटें हों वो अपने आप ही स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। इस बच्चे का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, कोई उसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। 2015 का जो उत्तरार्ध का जो हिस्सा है वो इसके कैरियर के अंदर 4 चांद लगाएगा। और ध्यान रखें, इस बच्चे को बोलिए कि नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना इसको अवश्य करनी है। नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाए, 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके साथ साथ में तुलसी जी की परिक्रमा, यदि अगर ये रोज़ 11 परिक्रमा कर ले तो ज़िंदगी में इसके लिए कुछ भी हासिल कर पाना वो असंभव नहीं रहेगा। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपकी परेशानियों को सुलझाएंगे और साथ ही बताएंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। आज आपको जल्दबाजी नहीं करनी और किसी भी कामकाज में बहुत ज्यादा आपको टेंशन भी नहीं करनी है, सरलता से काम को करने की कोशिश करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता की पसंद की कुछ मिठाई अपने माता पिता को अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपनी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आपको महत्व देना है, क्योंकि ये योजनाएँ जो हैं वो आपको भविष्य में काम आएंगी, ध्यान रखिएगा। नौकरी धंधे में बड़ी तरक्की का रास्ता आज खुल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गणेश मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, साझेदारी के बिजनेस में आपको फायदा हो सकता है। आज जो लेन देन का काम हो उसमें अपने पार्टनर को अवश्य अपने साथ रखिएगा, पैसों के मामले पर कोई विवाद आज हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में अमरूद के फलों का दान करिएगा, निश्चित तौर पर दिन सफलताओं से भरा रहेगा। दोस्तों, पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे अपने दिन को बेहतर बनाना है। पंडित जी, सुनीता जी कॉलर हैं, 11:06 सुबह के 5:30। सुनीता जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी सुनीता जी पूछिए, सवाल पूछिए। जी जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा जी, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी गुरु जी, और मिलेगी तो किस क्षेत्र में मिलेगी और कब तक मिलेगी? देखो बेटा, आपके बुध की माँ दशा चल रही है और उसमें भी राहु का अंतर चल रहा है, वो भी 2016 तक। सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 200% मेहनत करोगे तब जाके 100% आपको मिलेगा। ओवर कॉन्फिडेंट होके अगर आप कोई भी कंपटीशन दोगे तो उसमें सफलता मिलनी मुश्किल है, क्योंकि राहु का काम ही यही है कि अड़चन लगाना, सीधा नहीं करना किसी भी काम को। और ये आपका पीरियड जो है वो 12 दिसंबर 2016 तक चलेगा, उसके बाद का जो पीरियड है
वो आपके सरकारी नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छा समय है। तो अगले 2 साल अगर आप ओवरेज नहीं होते हैं और 2 साल अगर जो है वो मेहनत करें तो 2016 के पश्चात तो आपकी लगी सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से सन 2015 का अंत या 2016 की शुरुआत में भी लग सकती है, बशर्ते यदि आप अपने निर्णय जो है मजबूत करें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, प्रयास करें। आने वाला समय निश्चित तौर पे आपके लिए अच्छा है। जन्म कुंडली ओवरऑल मिला के बहुत अच्छी है, इसमें विशेष कोई दोष नहीं है। ध्यान रखिए पढ़ते वक्त जो है वो आपको बिस्तर में बैठ के नहीं पढ़ना है, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ें। कोई भी कंपटीशन की तैयारी करनी हो तो आपका जो मुख हो वो पूरब हो या उत्तर की तरफ हो, और टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़िएगा। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करना मत भूलिए, माँ तुलसी जी की परिक्रमा करना ना भूलें, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों में होगी। जी दर्शकों, आप अपने सवाल, अपनी परेशानियां हम तक मेल के जरिए भी पहुंचा सकते हैं, जिन्हें सुलझाने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। पंडित जी, आज अमित जी मेल करते हैं, 8/7/80 इनकी जन्म तारीख है, 8/7/80 और दोपहर के 3:57 का इनका जन्म है, PM 3:57 PM। जी पंडित जी कहते हैं बहुत परेशान है, 5 साल पहले इनकी शादी हुई थी, इनकी बीवी इनके साथ नहीं रहती है, 2 साल पहले इनके पिता का देहांत हो गया था, इनके ऊपर 50 लाख का कर्जा है, बहुत ही अपना धैर्य खोते नजर आ रहे हैं अपने मेल के जरिए। क्या इनका समाधान निकले, क्या व्यापार करना है, वो सब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली वैसे अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो इस जन्म कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो दाम्पत्य घर में स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, भाग्य स्थान में चंद्र मंगल योग बना हुआ है, गुरु के घर में बहुत शुभ योग माना जाता है, आयु स्थान में सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना हुआ है, बड़ा ही शुभ योग माना जाता है। ग्रह जो हैं ओवरऑल अगर हम आपको देखें तो हम इसको 80% नंबर देते हैं, लेकिन इन ग्रहों के ऊपर सर्प बैठ गया, सर्प दोष बन गया, आगे राहु पीछे केतु और उसके बीच में सारे जितने शुभ योग बने हुए वो आ गए, तो जो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए था आपके ग्रहों का वो आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। उसके साथ में अभी चंद्रमा की महादशा, राहु का अंतर चल रहा है सितंबर 2015 तक किसी भी सूरत के अंदर आपका जो भाग्य है वो पूर्ण रूप से आपका साथ नहीं देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि जो पहले पास्ट जो हो चुका उसकी तरफ नहीं जाएं और आगे भविष्य हमारा कैसा रहेगा उसके बारे में यदि हम विचार करें, सितंबर 2015 के पश्चात का जो समय है वो आपके कैरियर का सर्वश्रेष्ठ समय होगा। जितना भी आपने खोया है जन हानि को अगर छोड़ दें तो धन का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होगा, पूर्ण दाम्पत्य का सुख प्राप्त होगा। सबसे पहला काम उज्जैन चले जाइए, वहाँ जाके किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में सर्प दोष की पूजा करवाइए। ध्यान रखिएगा पूजा की जो तिथि हो वो पंचमी तिथि हो, पक्ष कोई भी हो, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, आप उसकी पंचमी तिथि को वहाँ जाएं और सर्प दोष की विधिवत शांति करवाएं। उसके साथ में नियमित रूप से पास में यदि आपके घर में तुलसी जी रखी हुई हो तो तुलसी जी को आपको घी का दीपक लगाना है, उनके समक्ष जल अर्पण करना है, कम से कम 11 परिक्रमा करनी है। ये 2 उपाय करिएगा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान इन 2 उपायों में है। जी अमित जी, आप परेशान ना हुए, हम उम्मीद करते हैं कि इन टिप्स को अपनाने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं अंतिम राशियों की और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले क्या करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी मेहनत आपको सकारात्मक परिणाम दिला सकती है। आज होने वाली आमदनी में से कुछ पैसा आप भविष्य के लिए भी बचा सकते हैं। ध्यान रखिए किस्मत के दरवाजे आज आपके लिए खुले हुए हैं। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको सोच समझकर व्यवहार करना है। आज के दिन आपके साथ क्या खराब हो सकता है, समय खराब क्या है, ज़्यादा सोच कर आज आपको समय खराब नहीं करना है, विचारों में मग्न नहीं रहना। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको खुद पर भरोसा रखना और आगे बढ़कर सारे काम करने, योजनाओं में निश्चित तौर पर असफलता मिलेगी। और ध्यान रखें क्रोध और उत्तेजना आज आपके दुश्मन हैं, इनसे बचना। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को मीठा पराठा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन सफल रहेगा। दर्शकों आइए आखिर में जान लेते हैं आज का पावर मंत्र भी। जी बिल्कुल, आज बुधवार का दिन है, भगवान श्री गणेश जी की विशेष मंत्रों से पूजा जो है वो अत्यंत फलदायी मानी गई है।
सारे विघ्नों से, सारे संकटों से बचाकर जीवन के हर सपने व इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी गई। तो आज मैं आपको एक ऐसा गणेश मंत्र बता रहा हूँ जो कि आपके हर प्रकार के विघ्न को दूर करेगा। लिख लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पर मंत्र आ रहा है, बड़ा सरल मंत्र है। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। बड़ा सरल और छोटा सा सूक्ष्म मंत्र है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में या देवालय में पीले वस्त्र पहनकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा सिंदूर, दुर्वा, गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, सुगंधित फूल, जनेऊ, सुपारी, पान, मौसमी फल व भोग में लड्डू अर्पण करने हैं। पूजा के बाद पीले आसन पर बैठकर इस मंत्र से पूजा संपन्न करनी, आरती करनी, पुष्पांजलि करनी, क्षमा प्रार्थना करनी, निश्चित तौर पे सभी विघ्नों से, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, आशा है कि हमारा प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अपने सवालों के लिए आप हमें कॉल के साथ साथ मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।